अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर सब भाइयों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, जहां भाइयों खुश हों अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज मैं अपने भाइयों को छोटा सा एक शौक करवाने लगा हूँ कि जो हालात चल रहे थे मौसम के, आपको पता है छोटे छोटे बच्चे कबूतर जो है नीचे गिरा देते हैं, फिर बाद में उसको पालने में मुश्किल होती है। हमने जो एक झोली थी कबूतरों की, हमने कहा चलें इस मरतबा एक नया तजर्बा करते हैं। पहले भी एक आधी दफ़ा किया, लेकिन अब माशाल्लाह किया दोबारा, वो कामयाब हुआ है। मैंने कहा चलो मेरे पास देसी मुर्गी हैं, तो मैंने इन कबूतरों के नीचे देसी मुर्गी रख के अंडे रख के देसी मुर्गियों के अंडे रख के तो मैंने उनसे ये माशाल्लाह बच्चे निकाले हैं, और मैं बच्चों का भी शौक करवाऊंगा और कबूतर दिखाऊंगा जो कबूतर अंडों पे बैठे हुए हैं। ये जी आपको शौक करवा रहे हैं जी, माशाल्लाह ये देखें, ये अंडा नीचे रखे हुए मैंने, ये कबूतरों के अंडे नहीं हैं, ये मुर्गियों के अंडे हैं। और इसके साथ मैं ऊपर भी आपको दिखाता हूँ भाइयों, ये देखें इधर भी मैंने मुर्गियों के अंडे रखे हुए हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर भी मैंने मुर्गियों के अंडे ही रखे हुए हैं। एक जगह पर मैं आपको ये देखे जी, ये बच्चा एक निकला है, मुर्गी कबूतरी मार रही उस बच्चे को, उसके नीचे दो अंडे रखे हुए थे, ये एक बच्चा निकला है माशाल्लाह। इसके अलावा भी मैंने तीन चार बच्चे निकले हुए थे, तो ये भी इसी तरह, ये देखे नीचे एक अंडा पड़ा हुआ है इसके, ये बच्चा निकला, ओह माशाल्लाह। ये देखे इसके अंदर भी नीचे अभी ये एक अंडा पड़ा हुआ है, एक अंडा पड़ा हुआ है, दूसरा अंडा फिर इसको दोबारा निकलेगा बच्चा इंशाल्लाह। अभी दो अंडे पड़े हुए हैं माशाल्लाह, ये बच्चे निकल रहे हैं जी माशाल्लाह। मैंने कोई तकरीबन समथिंग 10 से 15 अंडे रखे हुए हैं इस सीज़न में, मैं इनसे चूज़े ले रहा हूँ इस एक एक दफ़ा के लिए। मैंने कहा चलें एक झोली जो है ना अब कबूतरों के बच्चों की बजाय ना मुर्गियों के बच्चों की लें, तो सर्दियों में अंडे खाएँगे इंशाल्लाह। इधर भी अंडे रखे हुए हैं, मुर्गियों के अंडे रखे हुए हैं जी जी। ये देखें जी, ये तीन बच्चे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत निकले हुए हैं जी, आगे मज़ीद जो है ना इनके बच्चे निकलेंगे, तो जैसे ही इनके सब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई एक वीडियो बनाऊंगा जो इनके ऊपर सारी की सारी होगी जी। दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, 14 अगस्त मुबारक हो आप सब भाइयों को जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, और जो भी भाई वीडियो को देखे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।